गुड मॉर्निंग सर, या आई एम फ्रॉम पुणे एंड ऐसा है कि मेरे घर में पूरा वेस्ट जोन मिसिंग है. सो मुझे ना लाइक आई नो अ लिटिल बिट ऑफ वास्तु मुझे पता है, बट देन आई रियली कांट प्लेस के ये जो वेस्ट जोन है इसका क्या किया जाए, बिकॉज देयर इज अ डक. आपको प्रॉब्लम क्या आ रही है? सेविंग्स की प्रॉब्लम आ रही है आपको? प्रॉब्लम्स तो बहुत सारी हैं, हेल्थ वाइज भी है, फैमिली की हेल्थ, फाइनेंसेस, देयर आर प्लेंटी ऑफ प्रॉब्लम्स. आपके पास मैप है? अभी तो नहीं है, बट इट्स अ प्रॉपर ऑलमोस्ट स्क्वायरिश हाउस है जिसमें एक ये वेस्ट एरिया मिसिंग है और मैडम मैडम मैं समझ गया, आप फ्लैट में रहते हो. हाँ जी. तो आपने कैसे मान लिया कि वो कट है? There is a duct. Because वो पूरा स्क्वायर जो है उसमें से वो ही पर्टिकुलर एरिया मिसिंग है. That particular zone is missing. अभी मेरे को व्हाट्सएप करो, मैं उसको नहीं मानूंगा कट है. अभी नहीं लाए तो आप रफ पेन पर बनाओ, अभी व्हाट्सएप करो, मैं देखता हूँ. ठीक है ना? अगर साउथ ईस्ट कट है, वेस्ट कट है, तो फिर आप तो किराए के मकान में बैठे होते. हाँ, मेरी बात को समझे मैडम. अभी वेस्ट कट है, साउथ ईस्ट. मैं समझ गया मैडम. तो अभी आप किराए के मकान पर बैठे होते, यही प्रॉब्लम होती. तो आवाज़ सुनाई थी मेरे. ठीक है मैम, ऐसा नहीं होता. फिर अपने खुद के मकान, फिर अपने खुद के मकान में नहीं बैठे होते, ये दोनों की चीज़ें कट होती. तो ठीक है ना? हाँ, ऐसा नहीं होता. आप मेरे से फर्स्ट टाइम जुड़े हो? हाँ जी सर. ओके. अगर ये चीज़ दोनों कट होती ना, तो आप किराए के मकान पर बैठे होते, खुद के मकान पर नहीं बैठे होते. ठीक है, आप मेरे को मैप भेजो, ग्रिड करता हूँ, मैं देख लेता हूँ. ऐसी कोई बात नहीं. ठीक है. ओके ओके श्योर. ओके ओके थैंक यू सर. ओके ओके, मोस्ट वेलकम. और किसी का क्वेश्चन है तो बोलिए. और किसी का कोई क्वेश्चन है तो बोलिए. सर गुड मॉर्निंग. कहाँ से मैम? सर आई एम दिव्या फ्रॉम कटक, उड़ीसा से. हाँ जी मैडम, बोलिए 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 मैडम. सर मुझे पूछना था कि रेंट के मकान में किस लेवल तक वास्तु काम करता है? अगर आप उस मकान में साल से ज़्यादा ठहरते हो तो वास्तु काम करेगा. अगर 6 महीने रहते हो, 8 महीने रहते हो, फिर वास्तु काम नहीं करेगा. कम करेगा, भी इतना ज़्यादा इफेक्ट नहीं करेगा. मिनिमम सर अगर नॉर्थ ईस्ट में किचन है. जी मैं समझ गई. 1 साल मुझे रहते हैं, अभी 3 साल हो गए. तब नॉर्थ ईस्ट में किचन है और किचन अगर छोटा है तो क्या प्रॉब्लमेटिक है? किचन छोटा बड़े से होने से क्या होगा? ऐसा नहीं, प्रॉब्लमेटिक तो है. नॉर्थ ईस्ट में किचन नहीं होना चाहिए. आदमी का दिमाग 2400 घंटे गर्म रहता है. जो आपके हस्बैंड हैं उनका दिमाग 2400 घंटे गर्म रहेगा, आपसे लड़ेगा, क्लेश करेगा, और ये चीज़ ये बातें होंगी. अभी तक तो ऐसा हुआ नहीं है. फिर ऐसा नहीं होता, फिर आप नॉर्थ ईस्ट नहीं होगा. अभी इस मकान में आए, मैं आप नॉर्थ ईस्ट की कोई रेमेडीज नहीं है. प्रॉब्लम क्या आपको आ रही है, मेरे को ये बतलाओ. प्रॉब्लम के लिए बैठा हूँ, वास्तु सिखा. मेरा एक नॉर्थ ईस्ट में बाथरूम भी है. वो आगे तरक्की नहीं, वो तो आगे तरक्की नहीं होने देता, और कुछ नहीं होता. मेरा मनी सेविंग नहीं हो रहा है, फ्लो ऑफ मनी बहुत है, कम है. तो आप साउथ ईस्ट को देखो और वेस्ट को देखो ना.
पूजा रूम है वहाँ पर। हाँ गलती वही है ना, और एक रूम है। हाँ उधर वो चला गया, उधर वो चला गया, प्रॉब्लम तो वही आ गया। जहाँ पर पूजा रूम होना चाहिए था वहाँ पर किचन चली गई, जहाँ पर किचन चली गई वहाँ पूजा रूम चला गया। सर बेटर टू चेंज द प्लेस, मकान चेंज करूँ? हाँ हाँ कर लो, अगर करना है तो। किराए वालों के लिए कोई दिक्कत नहीं आती, वो कर सकते हैं। जिन्होंने अपने खुद का मकान लेकर ले रखा है उनको बहुत बड़ी दिक्कतें आती हैं। जब आप किराए का मकान ले सकते हैं, आपके पास से बहुत ऑप्शन है, एक साल में चेंज कर लो तो आपको कभी वास्तु इफेक्ट नहीं करेगा। ठीक है ना, अगर आप वहाँ पर 2 साल से 3 साल से 4 साल से रह रहे हो तब वास्तु आपको इफेक्ट करेगा उस घर का। ओके एंड सर, अगर मैंने अभी एक नया घर देखा है वहाँ पर पूरा पैक है, कहीं से रोशनी नहीं आ रही है, तो इज इट प्रॉब्लमेटिक? बिल्कुल 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 बिल्कुल, ईस्ट से रोशनी लो और नॉर्थ से रोशनी लो। चैप्टर है दो जहाँ से लाइट उजाला आता है बस। आप ईस्ट से रोशनी वाला घर ले लो और नॉर्थ से रोशनी वाला घर ले लो। हाँ तो ईस्ट से रोशनी आ रहा है बट वेंटिलेटर है वो। एक बार दिखा देना, जब वीडियो भेज देना, फोटो भेज देना, मैं देख लूँगा। जी सर श्योर। ओके ओके, और किसी मोस्ट वेलकम। और किसी का कोई क्वेश्चन है तो बोलिए, और किसी का कोई क्वेश्चन है ज्योतिष और वास्तु से रिलेटेड, किसी का क्वेश्चन है तो बोलिए। नहीं है? हाँ जी मैडम, आप कहाँ से हो? वेस्ट बंगाल से हूँ। अपना चेहरा दिखाइए मैडम एक। हाँ जी मैडम बोलिए। सर मेरा नॉर्थ ईस्ट में सीढ़ी थोड़ा सा पड़ता है ऊपर का, और नीचे वाला जहाँ स्टार्टिंग हो रहा है वो ईस्ट में है, तो क्या वो प्रॉब्लमेटिक है? और लेफ्ट फोल्डर प्रॉब्लमेटिक है? आपको प्रॉब्लम क्या आ रही है? आप प्रॉब्लम का सलूशन ढूंढिए। अभी प्रॉब्लम क्या आप? सर पहली बात तो यह है कि घर में सभी का कुछ ऊपर है, तो किसी का प्रेशर है, तो किसी का कंधे पे पेन है, तो किसी का घुटनों में पेन है, तो किसी का हिल में पेन है, ऐसे थोड़ा थोड़ा, मतलब बहुत ज़्यादा कुछ नहीं है पर थोड़ा आए दिन कुछ ना कुछ प्रॉब्लम लग रहा है। और मेडिकल प्रॉब्लम? आपकी मेडिसिन कहाँ पड़ी है? मेडिसिन कहाँ पर पड़ी है? तो घर में 3-4 बेडरूम है, मम्मी का घर बेडरूम है, मम्मी का मेरे बेडरूम में मेरा मेडिसिन है, बच्चे के बेडरूम में बच्चे का मेडिसिन है। आपके पास घर का मैप है? हाँ जी सर। मेरे को व्हाट्सएप करो, मैं देख लेता हूँ। हाँ हाँ मेरे पास कर दो, कोई बात नंबर लिख लो जिन्होंने व्हाट्सएप करना है मेरे को, 9888354171। नाइन 9888 जहाँ से आपको लिंक आया है उसी पर 9888354171 54171। हाँ जी ओके। और किसी का क्वेश्चन हो तो बोल। दोनों स्टोर का ही मैंने करना है, 2 स्टोर दिए हैं मेरा। नीचे हम लोग रहते नहीं पर ऊपर से नीचे से आते जाते हैं, और रहते तो सेकंड मतलब फर्स्ट फ्लोर। कोई बात नहीं मैडम, कोई बात नहीं, मेरे को भेजो ऊपरी फ्लोर का भेज दो, मैं देख लेता हूँ। प्रॉब्लम आपको बस पेन की प्रॉब्लम आपको के लिए पेन की आ रही है और कोई तो नहीं आ रही? आप नॉर्थ ईस्ट में स्टे है आपकी? वैसे नॉर्थ ईस्ट की कोई रेमेडीज नहीं होती, उसको तो रिमूव करना ही पड़ेगा। अगर आपको एक छोटी सी बतला देता हूँ, आपने क्रिस्टल बॉल लगानी है अपने छत के ऊपर, जहाँ से आप सीढ़ी चढ़ते हो ना, थोड़ा सा इफेक्ट कम हो जाएगा। क्रिस्टल बॉल अपने छत के ऊपर लगानी है, क्रिस्टल बॉल आती है ना, कौन सी कलर का लगाना? क्रिस्टल कलर का कलर तो वही होता है, देख लो नेट पर सर्च कर लो क्रिस्टल बॉल। हाँ
छोटा सा जितना मर्जी लगा लो, छोटा लगा लो, ठीक है। उसको आपने छत के ऊपर लगाना है, वो आपकी जो एनर्जी को है ना, उस जोन की एनर्जी को सक कर लेगा। करना क्या है, आपने संडे की रात को उसको नमक वाले पानी में भिगो देना है, संडे की रात को नमक वाले पानी के साथ भिगो देना है और सुबह उसे छत के ऊपर लगा लेना है, और जो पानी है उसको गमलों में डाल देना है, ठीक है। ओके मैम, तब आपका ये प्रॉब्लम सॉल्व हो सकती है, अदरवाइज तो नक्शा भेजो, मैं देख लेता हूँ। ठीक है, ओके ओके ओके, मोस्ट वेलकम मोस्ट वेलकम। और किसी का क्वेश्चन है तो बोलिए, और किसी का कोई क्वेश्चन, किसी का क्वेश्चन नहीं है आज? किसी का ज्योतिष और वास्तु से रिलेटेड किसी तरह का कोई भी क्वेश्चन हो तो आप मेरे से पूछ सकते हो। क्या बोले वो, ठीक है ठीक है। ये फोन आया सुनो ना कि क्या, किसी का क्वेश्चन है तो सर बोलिए। वीके सरादा जी, आपका कोई क्वेश्चन बोलिए बोलिए। सलोनी मैडम, आपका क्वेश्चन है कोई? यस सर। हाँ जी हाँ जी बोलिए। मैं एक चीज पूछना चाहती हूँ सर, मैं नॉर्थ वेस्ट, नॉर्थ वेस्ट में कुछ मेरा सामान रखा हुआ है, तो मैंने घर का थोड़ा सा वेस्ट प्रोडक्ट्स वगैरह हैं, तो वहाँ से तो उठा देना चाहिए। वो उठा देना चाहिए आपको, स्टोर उठा देना चाहिए। आती हैं। बिल्कुल खाली रखें या थोड़ा बहुत रख लो? नॉर्थ वेस्ट में बिल्कुल एकदम खाली स्पेस होना चाहिए। हाँ खाली होनी चाहिए नॉर्थ वेस्ट, क्योंकि वो स्पोर्ट स्पोर्ट का जोन है मैडम। तो मैडम थोड़ा थोड़ा सा रूम में सामान हटा कर खिलार कर रख लो ना, बिछा कर रख लो, जो जरूरी है तो रख लो, बाकी सामान को बेच दो। प्रॉब्लम क्या आ रही है, प्रॉब्लम क्या आ रही है, स्पोर्ट की प्रॉब्लम आ रही है, रिलेशन में प्रॉब्लम आ रही है, वो नॉर्थ वेस्ट ही होता है, वो नॉर्थ वेस्ट ही है, इन्होंने इतने बुलाना नॉर्थ वेस्ट ही है। और नॉर्थ साइड में मेरा ओपन स्पेस है, बढ़िया है, बढ़िया है। और वहाँ पे हम अपना बिजनेस से रिलेटेड स्टॉक रखते हैं, जैसे जो अगर आपका बिजनेस रिलेटेड है ना, तो आप उसे नॉर्थ वेस्ट में रखो, आपका सामान रुकेगा नहीं, झट से बिकता रहे, क्योंकि वो वाव्या कोण है ना, वहाँ पर अपना सामान कुछ भी रख दो, वहाँ पर अपना सामान कुछ भी रख दो, वो सामान बिक जाएगा आपका, नॉर्थ से पहले बिकेगा। अगर स्टोर बनाना है ना, अगर स्टोर, हाँ नॉर्थ को खाली कर दो ना, नॉर्थ वेस्ट में अपना सामान रख दो, वो सामान आपका एकदम से सब बिकता रहेगा। हाँ वो हटा दो, बिजनेस रिलेटेड सामान रख दो, क्योंकि वो वाव्या कौन है, वहाँ चलायमान दिशा है, वहाँ पर आपका सामान रहेगा, बिकेगा भी, आएगा अभी बिकेगा भी, आपको लॉस नहीं कर देगा। अगर आपने काउंटर भी वहाँ पर रखोगे ना, अगर आप वहाँ पर अपना काउंटर भी रख लोगे ना, बैठने के लिए, ऑर्डर बुकिंग के लिए रख लोगे ना, तो वो भी बहुत बढ़िया है। रूम की बोले इसी तरह नॉर्थ ईस्ट में भी खाली जगह है, वहाँ पर भी हमारा सामान रखा हुआ है, नॉर्थ एंड नॉर्थ ईस्ट की स्पेशल जगह है, तो वहाँ भी क्या 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 मैडम, तो नॉर्थ ईस्ट को भी खाली करना, नॉर्थ एंड नॉर्थ ईस्ट दोनों हमारी एरिया गैलरी आ रही है, खाली स्पेस है वहाँ पर। नॉर्थ मैडम, नॉर्थ नो, नॉर्थ ईस्ट को तो परमानेंट ही खाली करो,
आप नॉर्थ वेस्ट में, नॉर्थ वेस्ट में बना लो, अपना सर दर्द रहेगा, गोली वगैरह चलती रहेंगी, थोड़ी बड़ी बीमारी लगती रहेंगी, नॉर्थ ईस्ट से उठाकर उसमें ले जाओ। हाँ, तो आप नॉर्थ वेस्ट में सामान रख दो, बढ़िया है। नॉर्थ में चल जाएगा, अगर ज़्यादा सामान है, देखो अगर स्टॉक ज़्यादा है तो नॉर्थ वेस्ट में रख दो, हाँ ज़्यादा है तो नॉर्थ वेस्ट में रख दो, अगर थोड़ा, अगर जैसे थोड़ा कम वाला आ गया उसे नॉर्थ में रख दो। नॉर्थ ईस्ट में, नॉर्थ ईस्ट में ऑफिस बना लो, चलो बढ़िया है बैठने के लिए, सारा दिन ऑफिस में बैठ रहे होगे, बढ़िया है। फिर नॉर्थ, नॉर्थ वेस्ट में रख लो, वो तो गलत है ना, वो तो गलत है, वो आपकी हेल्थ को प्रॉब्लम देगा सभी को। एक कप चाय मैंने कह रहे तू चले, तू जाना, उन्हें जाना, उन्हें जाना, चलिए चाय का, चाय का कप कह दिया मैंने, चलिए। हाँ जी, हाँ उसको वो नॉर्थ, नॉर्थ ईस्ट का जोन भी आ गया ना, जहाँ पर आपको हेल्थ इश्यूज आएंगे। ओके, कोई बात नहीं। आप कहाँ से मैडम? सलोनी मैम, नीचे ब्लू मैट बिछा लो, नीचे ब्लू मैट बिछा लो। हाँ, आप कहाँ से हो मैडम? अच्छा, उत्तराखंड से। यहाँ पर स्तारगंज पलिया भी है, साथ में है ना, तो मैं वहाँ पर देख लो, इतनी दूर वास्तु विजिट करने गया था, एक बार पलिये में गया था, एक बार स्तारगंज में गया, कितना दूर है देख लो। ओके, तो ठीक है मैम। सर आपके व्हाट्सएप पे कोई अगर प्रॉब्लम हो पूछनी हो, पूछ सकते हो? पूछ सकते मैडम, जब मैंने ग्रुप फ्री के लिए खोला है तो पूछो, जितने मर्जी सवाल पूछो, कोई टेंशन नहीं है। और किसी का क्वेश्चन है तो बोलिए, मोस्ट वेलकम। और किसी का क्वेश्चन है तो बोलिए। ज्योतिष और वास्तु से संबंधित किसी तरह का कोई क्वेश्चन है तो पूछ लीजिए, नहीं है तो फिर क्लास को यहीं पर स्टॉप कर दूं। आप लोग शर्मा को रहे हो सभी लोग, और किसी का कोई क्वेश्चन है तो बोलिए। मिस्टर खन्ना जी, मालिका बोरोडोलो। हाँ जी मैडम, हाँ जी सर, मैं अपनी बेटी के लिए कुछ, अभी वेट कर, अब मोटापा बहुत है। क्यों क्यों मोटापा बहुत है? क्योंकि आपके नॉर्थ ईस्ट में खुला हुआ है, इसलिए मोटापा है। जिनका नॉर्थ ईस्ट खुला होता है ना, उनको मोटापा आ जाता है। कोई प्रॉब्लम नहीं है, वो सही हो जाएगी। आप वहाँ पर जो पेटी रखी है ना भारी भारी, वो उसको उठा दीजिए। हाँ, उसको उठा दीजिए। विकास राधा जी, VIK। सरदा सर, किसी का क्वेश्चन है तो बोलिए। हाँ जी सर, हाँ जी सर। सर मेरा एक जनरल क्वेश्चन है, सुना हुआ है सभी लोग बोलते हैं कि अगर ऑफिस बेसमेंट का होता है या टॉप कमर्शियल शॉप जो होती है वो बेसमेंट में होती है, तो वो ज़्यादा चलती नहीं है, क्या ये सही है? कौन कहता है, कौन कहता है, कौन कहता है? ऐसा कुछ नहीं होता जी। धीरू भाई अंबानी ने 10 फुट नीचे जमीन बना दी। हाँ, धीरू भाई अंबानी ने 4 फुट नीचे। मैडम म्यूट कर लो, सलोनी मैडम। इतने बड़े मॉल खोले हैं दिल्ली बॉम्बे में, वो पार्किंग के लिए खोले हैं ना सर? हाँ, वो चलते नहीं। सर वो फिर वो तो आदमी गलत बनाने वाली बात होगी,
ऐसा कुछ नहीं होता, मतलब घुमाने वाली बात होगी। हाँ मान के चलो, आपका मतलब तो फिर ये हो गया जो पेट्रोल पंप से तेल नीचे से निकालते हैं तो वो भी काम गलत हो गया। डीजल भी नीचे से आता है, नग भी नीचे से आते हैं, नीचे जमीन से कितना फिर वो कमाई नहीं करते क्या? नहीं नहीं मैंने एक बार बताया ना, आप उनको मैसेज दो ना सर, आप आपके माइंड में तो होना चाहिए ना क्वेश्चन, उनको उनको व्हाट्सएप नीचे मैसेज डालो जहाँ से सुना है, तो क्या क्यों उन लोगों को बोलो ना, क्यों उन लोगों को बेकार में गलत सिखा रहे हो, लोगों का भला नहीं करना तो घर में बैठ जाओ, आपका बोलने का तो हक है ना, तो फिर बोलिए उनको। जब बोलेंगे ना, जब नहीं नहीं जब बोलेंगे ना तो मेरे का नंबर दे देना, इनसे बोलो, मेरे से कॉलिंग पर ले लेना, फिर मैं समझा दूंगा उनको। ओके सर। राहुल सर मेरे में, मैं कभी नहीं कहता भी ये बिजनेस नहीं चले, बिजनेस चलेगा। जो नीचे का काम करते हैं ना, जिनका बेसमेंट है, मैं आपको लाखों लोग बतला देता हूँ, जिनका बेसमेंट में काम है मैं लाखों लोग बतला देता हूँ। आपको पता है जहाँ पर क्रिप्टो करेंसी का काम कैसे चलता है, वो नीचे चलता है बेसमेंट में। माइनिंग होती है। हाँ होती है ना। हाँ तो ऐसा ही है, तो आप बोल रहे नीचे काम नहीं चलता। जहाँ ऐसा करो, आप अपना ना सारे ऑफिस को ग्रिड कर ना, नॉर्थ नॉर्थ वेस्ट में अपना नाम लिख दो छोटा छोटा बेसमेंट में, तो सारा नॉर्थ वेस्ट नहीं, नॉर्थ 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 वेस्ट, सारी बिल्डिंग, सारी बिल्डिंग को आप कंसीडर कर लो, सारी बिल्डिंग को आप कंसीडर कर करना अपना नाम छोटा सा, जब अपना विजिटिंग कार्ड आपके पास तो होगा ना, अगर विजिटिंग कार्ड नहीं लगाने देंगे तो अपना नाम छोटा सा लिख दो, बारीक सा, किसी को दिखे ना, तो सबके पास काम नहीं होगा, आपके पास काम होगा, चाहे मी बारिश आए कुछ भी आई है भी, मेरी गारंटी है, चेक कर लो। सर ऑफिस में सारी बिल्डिंग को कंसीडर कर लो सर, अब तो माइंड में आ ही गया होगा कहाँ पर क्या है, इतना सर सर इतना सा लिखना है, ये कौन सा पता लगना है। मेरे को आपसे 4-5 लाख रुपया कमाना, मैंने आपको रात को भी बोला था। सर मैं बोल रहा हूँ ना, अगर आपको अगर 4-5 करोड़ आपको बनाकर दूंगा तो 40-50 हज़ार 4-5 लाख लेने का हक मेरा बनता है, ठीक है ना, वहाँ पर जाकर अपना नाम लिख दो इस हाँ इसको बिल्डिंग में जहाँ पर बैठे हो ना बेसमेंट में, अपना वहाँ पर जाकर नाम लिख दो। ओके okay, बाकी जो फॉर्मल है ना रात को मैं तोड़ने के तरीके बतला दूंगा आपको, टेंशन ना लेना। और किसी का क्वेश्चन है तो बोलिए, और किसी का क्वेश्चन है तो बोलिए। हाँ जी डॉक्टर तेज सर। सर मैं डॉक्टर तेज जैन रायपुर से। कहाँ से सर? हेलो मैं रायपुर से डॉक्टर तेज जैन बोल रहा हूँ सर। ओके ओके सर, नमस्कार नमस्कार सर आपको। नमस्कार सर। हाँ सर बोलिए, हुक्म कीजिए। मेरा मकान उत्तरमुखी है सर। मेरा मकान उत्तरमुखी है, ठीक है, उसके बाजू से लगा हुआ पश्चिम दिशा में प्लाट है सर, प्लाट बहुत बड़ा प्लाट है। अच्छा तो उसके कारण क्या मेरे को इफेक्ट आ सकता है क्या सर, मेरे से लगा हुआ प्लाट है पश्चिम में। आपने लेना तो नहीं है? नहीं लेना नहीं है सर, वो भाई का है, बड़े भाई का है, बंटवारे में उन्होंने लिया है। तो फिर क्या आपको क्या टेंशन देगा सर, वहाँ पर पूरे मोहल्ले वाले कचरा फेंकते गंदगी डालते हैं, तो क्या उससे इफेक्ट आएगा क्या मेरे को भी? आप अपने घर में सफाई रखो। हाँ सर जी सर। अभी मान के चलो
अभी आपको एक थोड़ी सी बात कैलकुलेशन करने की बात बतलाता हूँ। अगर किसी ने अपनी, आप रिच लोगों के घर में जाओगे ना, वहाँ पर उन्होंने ना फॉर्च्यूनर की गाड़ी ना अपने नौकरों को दे रखी होती है, 40 लाख की गाड़ी अपने नौकर को दे रखी होती है सब्जी सब्जी लाने के लिए। हम कहते हैं कि हमको एक आल्टो मिल जाए 2-3 लाख वाली, सही बात है? नहीं, आपको याद होगा पिछली बार किसी ने BMW की गाड़ी खराब हो गई थी, उसने बीच में कचरा रखकर धोना स्टार्ट कर दिया था, ठीक है ना सर? ठीक है ना सर? BMW के मालिक को कुछ फर्क पड़ा? नहीं, कुछ फर्क नहीं। उसको क्या फर्क पड़ा? वो तो गाड़ी ली है ना उन्होंने, वो अपना गाड़ी उनसे लिए, वो वहां पर उसमें कचरा डाले, चाहे सोफे लद कर लेके जाए, चाहे बीच में मुर्गियां ले जाए, चाहे बकरी ले जाए, हमको क्या? सर बीच में क्वेश्चन कर सकता हूँ? अभी मैं आपको एक बात बताता हूँ, अभी आपको बात, आपको बात बोलने का मौका दूंगा, ठीक है? जब मैंने फॉर्च्यूनर की गाड़ी ले ली, चाहे मैं उसमें बकरियां डालूं, चाहे कुछ भी डालता जाऊं, जिसका प्लाट है वो तो बोलता नहीं। हमको प्रॉब्लम आती है, आप म्यूनसिपल वालों को बोलो सर ये गंदगी यहाँ पर फैलाते हैं, थोड़ा सा रुकिए। जो अपने रिश्तेदार बहन भाई होते हैं वो तो चाहते हैं कि ये तंग हो, सही बात है ना? वो तो पहले चाहता लोग कचरा फेंके, आप उसको समझाने जाओगे भाई यहाँ पर भैया दीवार करा दो, ऐसे 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 करा दो, नहीं कराओगे ना? आप अपना कर्म करना मत छोड़ो, जब आपको समय लगे तो एक दो लोगों को बोलो, जो नहीं मानेंगे तो आप एक एक बार क्या किया करो, आग लगा दिया करो, जल जाएगा। आप अपना कर्म करना मत छोड़ो। क्या सर? और जमीन ये आपके में कारक होती है। हाँ ठीक है सर। सर यदि मैंने एक प्लाट ले रखा है सर, या शहर से दूर मेरा कोई प्लाट है और वहाँ पर गंदगी लोग डालते हैं, तो वो प्लाट मेरे नाम से है, तो उसका इफेक्ट क्या मेरे राशि पर, मेरी ग्रह, मेरी कुंडली पर पड़ेगा सर? नो सर, आप जिस घर में रह रहे हो आप उसको देखो, आपको प्रॉब्लम क्या आ रही है मेरे को ये बतलाओ, अभी प्रॉब्लम क्या आ रही है, फेस क्या प्रॉब्लम कर रहे हो? प्रॉब्लम ये है, मैंने गलती से सर, मैंने अपना टॉयलेट जो है वो मेरे मतलब साउथ वेस्ट में बन गया सर, गलती से। साउथ वेस्ट में बन गया? हाँ सर। तो फिर क्या हुआ? आप उसको येलो टेप से ट्रीट कर दो। येलो टेप वो जो कबोर्ड का सिस्टम है उसके पूरे साइड में येलो टेप लगा दूँ सर? हाँ, मेरे को व्हाट्सएप भेजो, मैं जितनी हो सके हेल्प अभी कर दूंगा आपकी, टेंशन ना लीजिए। मेरे होते टेंशन नहीं लेनी, मेरे होते वहम में जो डल गया ना मेरे पास नहीं आना, फिर मैं वहम से निकालता हूँ। 9 बजे से लेकर 6, ऐसा नहीं है आप मेरे से फर्स्ट टाइम जुड़े हो, ठीक है ना? जितनी बार मर्जी करो, 9 से लेकर 6 बजे तक मैं बैठा हूँ, ठीक है? हाँ, टेंशन नहीं लेनी, किसी ने प्रॉब्लम है भेज दीजिएगा, उनको कॉल करो बस। हाँ ओके सर, थैंक यू ओके। और किसी का क्वेश्चन है तो बोलिए, और किसी का कोई क्वेश्चन है तो बोलिए जिसका मैं हल निकाल सकूं। है किसी का क्वेश्चन कोई? हाँ जी मैडम बोलिए। सर अगर घर है तो कैसे देखना है, ढूंढ रहे तो? क्या मैडम? फ्लैट, घर ढूंढ रहे। बॉम्बे में है, बॉम्बे में फ्लैट सिस्टम होता है ना, तो कैसा दिखना चाहिए, क्या इम्पोर्टेंट है डायरेक्शन के हिसाब से आपकी? सभी डायरेक्शन बढ़िया है। आप बिजनेस किस चीज का करते हो मैडम? जॉब करती हूँ सर। आप डॉक्टर का जॉब है तो नॉर्थ भी बढ़िया है, वेस्ट भी बढ़िया है। आपको किस चीज़ के डॉक्टर हो मैडम? किसके? होम्योपैथी के? हाँ।
आप नॉर्थ में ले लो, बढ़िया रहेगा। मतलब कैसे, मतलब मेरे को बेसिक नहीं पता सर, नॉर्थ मतलब क्या ले। आप ऐसे करना, मेरे को व्हाट्सअप लिख कर मेरे को भेज दो भी नॉर्थ में लेना। मैं आपको अपनी वीडियो भेज दूंगा, वो आप देख लेना, आपको सब कुछ समझ आ जाएगा। नॉर्थ फेसिंग किस लिए है, ईस्ट फेसिंग, वो सारी वीडियोस मैं आपको भेज दूंगा, ठीक है मैम। हाँ अभी मेरे को भेज देना सर। बोलिए। हाँ सर, और एक मतलब मेरे भाई भाई साहब भी घर देख रहे हैं, तो वो इंजीनियरिंग फील्ड में पर जॉब कर रहे हैं, उनके लिए कैसा है? उनके लिए इंजीनियरिंग के लिए साउथ डायरेक्शन बढ़िया है और वेस्ट भी बढ़िया है। और सर पत्रिका और वास्तु का मतलब कैसे, मतलब आप वो भी देखते हो क्या? सारा कुछ देख लेते हैं मैडम, ऐसी कोई बात नहीं, टेंशन ना लीजिए, जब मर्जी भेजना देख लेंगे। अभी डायरेक्शन की नॉलेज लेनी है तो उसकी वीडियो मैं भेज दूंगा। चलेगा। हाँ हाँ, आप मेरे को, आप मेरे को लिख लो। हाँ जी। नहीं नहीं सर, आप बोलिए। नहीं आप बोलिए ना, मैं तो बोलते रहता हूँ, मेरा तो काम ही बोलना है जी। नहीं सर, वो मैंने मतलब बहुत, जैसे अभी राहुल जी ने बोला कि वीडियोस देखते, तो वो लाल किताब वाले वीडियोस मतलब देखे है, तो मतलब फर्क क्या रहता है? एक्चुअली बहुत कंफ्यूजन है, समझ नहीं आता कुछ, कोई और कुछ बोल रहा है। अपना एक बार फेस दिखाइए, अपना फेस दिखाइए, फिर बात करते हैं। अच्छा लाल किताब क्या क्या? लाल किताब का और उसका, वो सब इन्हें पैसे लेने हैं आपसे, जैसे मर्जी एंटर लें, चाहे वो लाल किताब है चाहे वो कोई भी हो। अच्छा ठीक है ना, आप अपने माइंड से सेटअप करो क्या चाहिए आपको। ओके। प्रॉब्लम क्या आ रही है, आप उसको क्या फेस कर रहे हो, ये मेरे को बताओ, वो आपको सोल्यूशन बतला देता हूँ। ग्रोथ नहीं है और हेल्थ इश्यूज थोड़े कम है, पर अभी हो सकते हैं। अभी आप रेंट के मकान में रह रहे हो? पेरेंट्स के साथ रह रहे हैं। पेरेंट्स के साथ रह रहे हैं। आप मेरी एक वीडियो देखो, उसमें डायरेक्शन को चेक करो, तो वहाँ पर मैंने सारा कुछ बतलाया हुआ है, ठीक है मैम। जब तक आपकी कन्फ्यूजन क्लियर नहीं ना होती, तब तक आप नया मकान नहीं लेना, ठीक है ना। चाहे आपको 2 दिन 10 दिन 20 दिन लग जाएं, ठीक है ना, आप मेरी क्लासेस को ज्वाइन करें, आपको पता लग जाएगा, ठीक है। आप मेरे चैनल विमान वास्तु पाठशाला को देखो और उसके बाद अपनी कन्फ्यूजन क्लियर कर लो, जिस तरह की भी हो, ठीक है जी। और किसी का कोई क्वेश्चन है तो बोलिए। आवाज़ सुनाई दे रही है मेरी सभी को? मेरी आवाज़ सुनाई दे रही है? मेरी आवाज़ सुनाई दे रही है? मेरी आवाज़ सुनाई दे रही है सभी को? आवाज़ सुनाई दे रही है? मेरी आवाज़ सुनाई दे रही है? मेरी आवाज़ सुनाई दे रही है सभी को? आवाज़ सुनाई दे रही है सर? हेलो। हाँ जी सर, दे रही है। हाँ जी सर, दे रही है, ठीक है, आवाज़ आ रही है आपकी। नेटवर्क इशू आ गया था तब की। और किसी का कोई क्वेश्चन है? दिलीप सर आपका कोई क्वेश्चन?
वीआई के विकास राधा जी, आपका कोई क्वेश्चन है? आपका कोई क्वेश्चन है विकास राधा जी सर? आपका कोई सर क्वेश्चन कोई? आप काफ़ी दिनों से मेरे साथ जुड़े हुए हैं पर आपको कोई क्वेश्चन नहीं ले रहे आप। वीआई के श्रद्धा हाँ जी दिलीप सर बोलिए। हाँ सर, मेरे भी घर का साउथ वेस्ट में बाथरूम और संडास है। तो आप उसको येलो टेप से ब्लॉक कर दो ना। प्रॉब्लम क्या आ रही है आपको? प्रॉब्लम क्या है? नहीं वो वास्तु दोष का ये रहता है सर, घर में बीमार रहता है। सर बीमारी के लिए और जोन भी पड़े हैं, आपने साउथ वेस्ट के पीछे को पड़ गए। वो अभी डिजाइन वैसा परचेस किया है तो उसमें आ गया सर, क्या कर सकते हैं सर? तो सर सर मेरे सर को लगा भी करके सर मैं आपको, आप मेरे को व्हाट्सएप कर दो, मैं बतला देता हूँ कैसे सेटअप करना है। जिसको नहीं समझा मैं बतला दूंगा। अगर अभी अभी देखना है तो सभी को देखना है तो देख लो अपने संडास को कैसे ब्लॉक करना है। मैं अभी सभी को एक फ़ोटो भेज रहा हूँ, अभी देख लो। कोई बात नहीं, कोई ऐसी बात नहीं है। लोग कहेंगे कि सर बाद में बताने के पैसे लेंगे, ऐसा कुछ नहीं है। अभी आपको बता देता हूँ कैसे ब्लॉक करना आपने, अभी देख लेना आप। अभी देखो शेयर स्क्रीन पर आ गया, अभी दिखा देता हूँ कैसे ब्लॉक करनी है। हाँ जी मैडम आप भी देख लेना। ऐसे ब्लॉक करनी है येलो टेप से, दिखाई दे रहा सभी को? जी सर। पीछे एक मैडम भी थे। आपने येलो टेप के साथ करनी है ऐसे टॉयलेट को ब्लॉक। आप इसको येलो पेंट के साथ भी कर सकते हो और टेप के साथ भी कर सकते हो, ठीक है मैम? सभी को समझ आया? जी सर। ओके सर। वैसे जहाँ पर आप बोल रहे हैं वहाँ पर तो रिलेशनशिप की प्रॉब्लम आती है दिलीप सर। थैंक यू थैंक यू। ऐसा नहीं है मैं बाद में बताने के पैसे लूँगा, कभी वक्त कभार सोचो मत ऐसा, कुछ भी ना सोचो, ठीक है ना? ठीक है। और किसी का कोई क्वेश्चन है तो बोलिए। दिलीप सर आपको प्रॉब्लम क्या आ रही है आप वो बतलाएं। थैंक यू सर, थैंक यू। ओके मैम, धन्यवाद। और किसी का क्वेश्चन है तो बोलिए। सर वो मतलब मानसिक बीमारियां जैसे तकलीफ हो रही है। अभी नॉर्थ ईस्ट में क्या है, जब वेस्ट नॉर्थ दिशाओं की नॉलेज है आपको? नॉर्थ ईस्ट में तो सर वो घर के देवता की ये है ना। क्या सर घर के देवता की क्या है? वो मतलब देव मंदिर। वो तो मंदिर अभी आपके यहाँ पर क्या पड़ा है? नॉर्थ ईस्ट में है ना सर, ईशान्य कोण में। हाँ जी हाँ जी। क्या पड़ा है? पड़ा नहीं है सर, उसमें रखी हुई है भगवान की मूर्तियाँ, बाकी ऐसा कुछ पड़ा नहीं है सर। वहाँ पर मंदिर में लाल कपड़ा बिछा रखा है आपने? था सर। आप उसको उठा दो। आप वहाँ से उसको उठा दो, ठीक है ना सर? और ग्रीन कपड़ा बिछा दो। आपका ये प्रॉब्लम का सलूशन हो जाएगा, ठीक है? जो आप कह रहे हो ना अभी मानसिक प्रॉब्लम चल रही है, मानसिक प्रॉब्लम यहीं से आ रही है रेड कपड़ा बिछाने से। ऐसा नहीं है कि नॉर्थ ईस्ट में आपने, ऐसा नहीं है कि आपने नॉर्थ ईस्ट में मंदिर बना लिया तो आपके लिए बहुत बढ़िया हो गया। वहाँ पर उसको कलर एलिमेंट को भी देखो, आप क्या देखोगे, ठीक है ना सर?
हाँ जी सर। ओके, अपने ग्रीन कपड़ा बिछाओ और बढ़िया है, ठीक है, फिर भी कोई ना समझ आए तो पूछ लेना, आपका बच्चा हूँ। हाँ जी, और किसी का, और किसी का क्वेश्चन है तो बोलिए, है किसी और का क्वेश्चन कोई? किसी और का कोई क्वेश्चन है तो बोलिए, नहीं तो क्लास को यहीं पर हम पोस्टपोन करते हैं। हाँ जी गीता मैडम, आपका कोई क्वेश्चन? पूर्णिमा मैडम, हाँ जी, कयूर सर, हाँ सर, सर ये मॉर्निंग क्लास रहेगी नई वाली? सर आपको शेड्यूल मिला नहीं अभी पेड क्लासेस का? अभी भेज देता हूँ, टेंशन ना लीजिए, अभी भेज देता हूँ। क्या सर? कोई बात नहीं, फिर क्या हुआ जुड़ गए? फिर क्या हुआ? सुनो, लोगों की बातें सुनो, जैसे रात को आपने थोड़ा सा टाइम निकाला था ना, तो क्लासेस के टाइमिंग नहीं। ओके, आपको देंगे सब, सारा आपको शेड्यूल बनाकर देते हैं, आज से आपका शेड्यूल बन जाएगा, टेंशन ना लो। अभी आपका नया बैच आज स्टार्ट होगा तो आपको पता लग जाएगा, टेंशन ना लो। और किसी का कोई क्वेश्चन है तो बोलिए। हाँ जी गीता मैडम, कोई क्वेश्चन था आपका? रेखा मैडम, हाँ जी मैडम, नहीं है किसी का क्वेश्चन कोई? ये वाला नहीं है। हाँ ये फ्री वाला है। और किसी का क्वेश्चन है तो बोलिए। नमस्ते सर। नमस्ते सर। नमस्ते। नमस्ते जी, नमस्ते मैडम। सर ये जैसे बॉल क्लॉक लगानी होती है तो किस दिशा में लगानी चाहिए बॉल क्लॉक? ईस्ट की तरफ लगा लो। हेलो, 16 दिशाओं में लगा सकते हो मैडम। सर ये बॉल क्लॉक के लिए कौन सी दिशा प्रेफर होती है? आपने मेरी वीडियो घड़ी के लिए किम में लगी हुई है, जैसे बॉल क्लॉक चौरस घड़ी है। आपने मेरी वीडियो देखी नहीं है? पश्चिम में लगी हुई है हमारे तो। आप मेरे को व्हाट्सएप करो, मैं आपको वीडियो भेज दूंगा, उसमें मैंने सारी बताई हूँ, उसमें मैंने सारी शेयर कर दीजिए, दोबारा शेयर कर दीजिए प्लीज ग्रुप पे। मैडम ग्रुप ऐसा नहीं है मैडम, ग्रुप तो 50 है मेरे, ठीक है ना? तो पांच नंबर ग्रुप है सर। मैडम आप मेरे को व्हाट्सएप पर्सनली कर दो, भेज दूंगा मैं, ठीक है? ठीक है सर, थैंक यू सर। हाँ आप मेरे को लिख कर भेज दो कौन सी वीडियो चाहिए, नहीं तो आप यूट्यूब पर जाओ, वहाँ से ढूंढ लो, मिल जाएंगी। आप विवान वास्तु पाठशाला, आप विवान वास्तु पाठशाला पर जाओ, सब्सक्राइब करो, वहाँ पर आपको अपने पता लग जाएगा कि कौन कौन सी वीडियो पड़ी है मेरी, सभी वीडियो मैंने बना रखी है वहाँ पर, बहुत ही अच्छे ढंग से बना रखी है, बहुत अच्छे ढंग से बना रखी है, मोस्ट वेलकम। और किसी का क्वेश्चन है तो बोलिए। हाँ जी बोलिए। सर मुझे साउथ वेस्ट डायरेक्शन से रिलेटेड पूछना है, क्या सामान होना चाहिए और क्या नहीं होना चाहिए साउथ वेस्ट? वहाँ पर जो चीज़ें रखोगे वो बढ़ जाएगी। अब क्या रखना चाहते हो? जूते रखना चाहते हो तो जूते रख जाए बढ़ जाएंगे, कपड़े रखना चाहोगे कपड़े बढ़ जाएंगे, पैसा रखोगे तो। अब आपको क्या रखना है ये बतलाइए। अच्छा, क्या रखना पसंद करते हो? तो बिजनेस रिलेटेड भी सामान वहाँ रखा जा सकता है साउथ वेस्ट में? अपने बिजनेस से रिलेटेड सामान भी साउथ वेस्ट में रख सकते हैं? नो, बिजनेस वहाँ पर थोड़ी रखोगे सामान, बिजनेस रिलेटेड थोड़ी सामान रखोगे, ऐसा? अच्छा, फिर बिजनेस को वहाँ से बिकेगा नहीं सामान मेरे, थोड़ा समझिए आप मैडम बात। वो साउथ वेस्ट में जो चीज़ बढ़ानी है पैसे को रखना स्टार्ट करो, मेरा रखो पैसा, रखो पैसा बढ़ाना चाहिए कि बिजनेस बढ़ाना चाहिए? बिजनेस तो अपने आप ही बढ़ जाना है, जब पैसा बढ़ेगा तो बिजनेस अपने आप बढ़ेगा, पैसा वो ऊपर छत से नीचे गिरेगा जब पेड़ लगा होगा।
जैसे जैसे पंजाब में भैये, जैसे भैये को भैया खींचता है, रुपये को रुपया खींचता है, ठीक है ना। तो अपना पैसा साउथ वेस्ट में रखना स्टार्ट करो, पैसा बढ़ने लगेगा तो बिजनेस अपने आप बढ़ने लग जाएगा। और किसी क्वेश्चन? हाँ जी, टॉयलेट नहीं होना चाहिए, किचन नहीं होना चाहिए। अगर साउथ वेस्ट में किचन है तो आदमी को हार्ट की प्रॉब्लम आती है, ठीक है। और किसी का क्वेश्चन? मैडम साउथ साउथ वेस्ट होगा, साउथ थोड़ी होगा साथ में। मैडम आप अपनी कैलकुलेशन करते जाओ, फिर जितनी मर्जी करते जाओ। आपको प्रॉब्लम क्या, आपने अपनी प्रॉब्लम का हल तो ढूंढना नहीं, बस अपना देख देख कर यूट्यूब दिमाग खराब करना है। आप अपनी प्रॉब्लम का हल ढूंढने के लिए बैठे हो ना यहाँ पर, आप अपनी प्रॉब्लम बतलाएं, उसको सोल्यूशन करें। ज्ञान तो दे ही रहे, इतने लोग दे रहे हैं, मैं भी दे दूंगा। आप अपनी प्रॉब्लम का हल बतलाओ, क्या है सर मेरे को ये प्रॉब्लम है, उसका हल निकालिए। अगर साउथ में अगर साउथ में टॉयलेट होती तो आपका बिजनेस चलना ही नहीं था, जितना आप चला रहे हो। आपने कैसे कह दिया कि साउथ में टॉयलेट है? आपकी साउथ साउथ वेस्ट में टॉयलेट है, आपका फेस देखकर बता सकता हूँ मैं। इतना एक्सपीरियंस, हाँ तो इतना एक्सपीरियंस है लाइफ में, टेंशन ना लो। आदमी का चेहरा देखकर पता लग जाता है उसके घर में क्या है। हाँ जी बोलिए बोलिए। सर मैंने ना आपको भेज दिया है, व्हाट्सएप कर दिया है, जो मेरा पुराना घर का डिज़ाइन था एंड जो नया घर का हमने करवाया है 10 महीने पहले ही। तो आई हैव सेंट यू द बोथ द डिज़ाइंस। ओके ओके, ये 80 डब पिक्चर 243 है के पीछे 96 है आपके नंबर के, 696। पता नहीं किसका आपके नंबर पीछे है मैडम, 696 है। पूर्णिमा मैडम सॉरी सर, आपके हाँ जी पीछे नंबर क्या है आपके? 696 है ना? हाँ जी हाँ जी। हाँ यस सर, यस सर, मेरा ही नंबर। प्रॉब्लम क्या आ रही है? अभी थोड़ा समय दीजिए, देखकर बतलाता हूँ आपको, ठीक है? थोड़ा समय दीजिए, देख लेते हैं। सर, तो बहुत सारी आई थी, लाइफ थ्रेटनिंग, हाँ जी, लाइफ थ्रेटनिंग थी, या सो वी चेंज द डिज़ाइन ऑफ द हाउस। हमने डिज़ाइन चेंज किया है 10 महीने पहले ही, क्योंकि उसके पहले बहुत प्रॉब्लम्स आ रही थी एंड दे आर स्टिल कंटिन्यू। कोई नहीं, ओके, मैं देख लेता हूँ, थोड़ा समय दीजिए मेरे, ठीक है? बाद में डिस्कशन कर लेना मेरे से, कोई टेंशन नहीं, कोई चार्जेस नहीं लगेगा आपको, कोई चार्जेस नहीं लगेगा, टेंशन ना लीजिए। sure. okay. आपने कटक उड़ीसा से कुंडली भेजी है, 693 पीछे है, प्लीज़ कुंडली को पूरी पीडीएफ फाइल बनाकर भेजे। जी सर, ठीक है जी सर। आप अपनी पूरी फाइल बनाकर भेजो ना, पीडीएफ फाइल पूरी बनाकर भेजो, या आपने आधी भेजी है? ओके सर, आई विल सेंड यू। तो अभी जिनका मैसेज आया है अनम्यूट नहीं हो रहा, तो प्लीज़ आप मेरे को बाद में कॉल कर लेना, इस सेशन के बाद। और किसी का क्वेश्चन है तो बोलिए। जिन्होंने कुंडली भेजी है वो एक पीस नहीं भेजना,
वो सारी कुंडली भेजनी है, दशा महादशा वहाँ पर सारा कुछ है। और किसी का कोई क्वेश्चन है तो बोलिए, नहीं ये क्वेश्चन। Yes, हाँ जी बोलिए मैडम, बोलिए मैडम। हेलो सर। हाँ जी मैडम बोलिए। हेलो बोलिए बोलिए। गुड मॉर्निंग सर। गुड मॉर्निंग। हेलो सर। हाँ जी सर, सर मुझे नॉलेज नहीं है मोर वास्तु के बारे में, लेकिन मुझे ये पूछना था ना, मेरी बच्ची का स्टडी कौन सा डायरेक्शन में रखना चाहिए, क्योंकि वो बहुत कॉन्सेंट्रेट नहीं है, वो बहुत चंचल है। क्या 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 दोबारा रिपीट करना? मुझे वो स्टडी रूम के बारे में पूछना था बच्ची के लिए, वो कॉन्सेंट्रेट एकदम नहीं है और मुझे वास्तु इतना कुछ पता भी नहीं। अभी अभी आपने क्या करना है, वैसे लिख लो वेस्ट साउथ वेस्ट में अपने बेटे की किताब। आई कांट हियर यू सर। ओके हेलो। आप अपनी बेटी की किताबें वेस्ट साउथ वेस्ट में रख दो। यस सर, कैन यू रिपीट। अपनी बेटी की किताबें वेस्ट साउथ वेस्ट में रख दो। वेस्ट साउथ वेस्ट। हाँ जी, जहाँ से सूर्य छिपता है ना। ओके वहाँ पर रख दो। और अगर वेस्ट साउथ वेस्ट के बारे में आपको नॉलेज नहीं है, आप मेरे को व्हाट्सएप कर दो, मेरे को दिशाओं की नॉलेज वाली वीडियो भेज दो। आपको मैं दिशाओं की नॉलेज वाली वीडियो भेज दूंगा, आप उसको देख लेना, ठीक है? ओके सर, ओके सर। आप मेरे को व्हाट्सएप कर देना, आपको दिशाओं की नॉलेज वाली वीडियो भेज दूंगा। क्या मैम? ओके सर। बेटी का स्टडी टेबल क्या उस साइड में सेट करें? हाँ बिल्कुल, आप वहाँ की वहाँ पर बुक हाँ वेस्ट साउथ वेस्ट में आप वहाँ पर बेटी का अकेला बैग भी रख दोगे ना, तो अपने आप दिमाग चल पड़ेगा उसका, बहुत बढ़िया नंबर लेकर आएंगे। ओके सर। मैं आपको वीडियो भेज दूँगा, आप वहाँ पर सेटअप करके रख लेना अपने बेटी का बैग, ठीक है? आप मेरे को व्हाट्सएप कर दो, मेरे को डायरेक्शन वाली वीडियो भेज दो। मैंने बड़े आराम से बड़े प्यार से समझा रखा है, जिनको वास्तु नहीं आता आपको वास्तु भी आ जाएगा, वो वीडियो देखोगे वास्तु भी आ जाएगा। टेंशन नहीं लेनी आपने, आराम से आराम से। ये ग्रुप तो ओनली फॉर एडमिन्स है। क्या सर? ये ग्रुप में तो ओनली फॉर एडमिन्स लिखा हुआ है, हम मैसेज नहीं कर सकते, वी आर नॉट अलाउड। मैडम पर्सनल लिखा है ना, पर्सनल मैसेज करो ना। आपका और नंबर है क्या? मैडम जब जाओगे ना वहाँ पर सारा कुछ आ जाएगा, टेंशन ना लीजिए। नहीं तो नंबर लिख लीजिए 9883। हाँ वो नंबर तो है, लिखा है। बात खत्म, वहाँ पर भेज दो मैसेज। ओके ओके सर। ओके थैंक यू। ओके सर थैंक यू। ओके और किसी का कोई क्वेश्चन है तो बोलिए। सर मैंने आपको पूरी कम्प्लीटली PDF फाइल भेजी है। ठीक है, क्या पूछना क्या है? सर मेरे हस्बैंड की ग्रोथ नहीं हो रही है, प्रमोशन है नॉर्थ। तो अपने घर का नॉर्थ डायरेक्शन देखो ना, ग्रोथ क्यों नहीं हो रही, कुंडली में क्या देखोगे? मैंने आपको बताया था कि वॉशरूम है, तो उसको ट्रीट कर दो ब्लू टेप से। बात खत्म। अभी टॉयलेट दिखाई थी ना मैंने। जी सर, मैं अभी मकान चेंज करूंगी, नवरात्रि में मैं मकान चेंज कर रही हूँ। जब चेंज करोगे तब तक तो ट्रीट कर लो ना, तब तक क्या पता जॉब बढ़िया लग जाए। अभी नवरात्रि आने को कितने दिन पड़े हैं, 19 तारीख को नवरात्रि है। आपने ब्लू टेप से ब्लॉक कर देना, जैसे मैंने सभी को टॉयलेट दिखाई थी ना ब्लॉक करने के लिए, मैंने टॉयलेट ब्लॉक करने के लिए बतलाई थी ना सभी को। ठीक है सर। वैसे आपने ब्लॉक कर देनी, और क्या करना है, ब्लू कलर से। और किसी का कोई क्वेश्चन है तो बोलिए, तो उसके बाद फिर मैं क्लास को पोस्टपोन करने लगा हूँ। संडे हमारा गारमेंट की दुकान के रिलेटेड प्रॉब्लम रहेंगी। सर एक बार आप एस्ट्रो का वो भी चेक कर लीजिएगा, मैंने आपको भेजा। कर लूँगा टेंशन ना लीजिए, कर लूँगा। और किसी के पहले इसको ट्रीट करो ना मैडम, ठीक है ना? उसके बाद ये फॉर्मूलेशन सारा कुछ देखा जाएगा। थैंक यू सर। ओके और किसी का भी क्वेश्चन है तो बोलिए।
नहीं है किसी एक क्वेश्चन? चलो फिर आज की क्लास हम यहीं पर पोस्टपोन करते हैं, और संडे को हमारा टॉपिक रहेगा, संडे को 11 बजे हमारा टॉपिक रहेगा गारमेंट की दुकान से रिलेटेड, जिनकी कपड़े की दुकानें हैं उनको कैसे बनानी चाहिए, ठीक है? जिनकी कपड़े की दुकानें हैं उनको कैसे बनानी चाहिए और कैसे चलानी चाहिए। आप सभी को थैंक यू।